हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रिलेवेंट क्वेश्चन एंड डाउट्स विच आर जनरल इन नेचर फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स वो आर गिविंग मेन्स एग्जामिनेशन मेन्स को इस बार तो सेप्टेंबर सिक्सटीन को तो शुरू होना है एंड लगभग फोर्टी फाइव डेज बाकी रह गए हैं बट द क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द टाइम मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशन हॉल और दी राइटिंग स्पीड और दी टेलेंडर वर्ड्स जैसे कि कमेंट का मतलब क्या होता है एनालिसिस का मतलब क्या होता है ल्यूसीडिएट का मतलब क्या होता है यह सब कुछ में कुछ कॉमन भी हो सकता है कैसे उसके हमें हैंडल करना है एग्जाम हॉल में बट आज के वीडियो का जो टॉपिक है जो मैं बहुत छोटा रखने की कोशिश करूंगा जिससे आपका टाइम भी ना लगे और आपको सारे के सारे डाउट्स जो होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं वो भी क्लियर हो जाएं। क्योंकि ये कैमरे के सामने वीडियो है आप लोग मेरे सामने मौजूद भी नहीं है जिससे आप मेरे से सवाल भी पूछ पाते तो मैं अपने आप से ही सवाल पूछता हूँ और विल ट्राई टू गिव दी दंसर फॉर ऑल दी थिंग्स टू द फुलेस्ट इफ एनी क्वेश्चन इज लेफ्ट यू कैन जस्ट गिव दैट क्वेश्चन इन दमेंट बॉक्स इन दैक्सट वीडियो आई विड लाइक टू टेक इट अप एंड टूडेज टॉपिक इज अबाउट दैनजमेंट इन एग्जाम हॉल

टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल नाउ एज आई एम आस्किंग सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम मी ओनली दैट एज एन एस्पेरेंट वॉट आर द क्वेश्चन आई कैन हैव फॉर द टाइम मैनेजमेंट इशू नंबर वन क्वेश्चन ये बनता है टाइम को लेके कि हमें शुरू में इनिशियली डू वी नीड टू रीड फुल क्वेश्चन पेपर और नॉट क्या हम लोगों को जैसे ही हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है पूरे के पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेना चाहिए एक बार या नहीं पढ़ना चाहिए राइट right? क्योंकि उसमें टाइम भी लग सकता है दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या हो सकता है दट डू वी नीड टू गिव इक्वल टाइम क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर और नॉट मीन एटी मिनट है आपके पास लगभग ट्वेंटी क्वेश्चन है आठ मिनट से थोड़े से ज्यादा सेकेंड्स के साथ में लगभग साढ़े आठ का टाइम आपको मिलता है एक क्वेश्चन के लिए तो ट्वेंटी क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन को हम इक्वली देखें या फिर उसमें ऊपर नीचे हो सकता है Then, तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है जो का ऑर्डर है ऑर्डर मींस सीक्वेंस क्या हम सेम सीक्वेंस में चले या उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 2013 से पहले क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट अलग से होता था आंसर शीट अलग से होती थी बट आज की डेट में दिन आर प्रिंटेड इन दीसर शीट इट सेल्फ सो देट आप क्वेश्चन को शफलिंग ना दे पाए क्योंकि जो आप जानते हैं जिन क्वेश्चन के वो आप पहले चूज करके लिखते थे बट आप भी आज की डेट में आपको वही सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे राइट देन इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या हमें क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं, उनकी कैटेगरी को बनाना जरूरी है या नहीं मींस डू वी नीड टू कैटेगराइज दी क्वेश्चंस कैसे कैसे आप कैटेगराइज कर सकते हो जो आपको बहुत अच्छा आता है उसके ऊपर आप स्टार मार्क कर सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन को हमें बहुत जल्दी अटेंड करना है और बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करना है क्योंकि इंप्रेशन अच्छा जाएगा आपको आता भी है उसके बाद के क्वेश्चन को आप दो मार्क दे सकते हो अपने लिए आप कुछ भी कर सकते हो दो स्टार भी लिख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे एक स्टार कर सकते हो इसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क है या कह सकते हैं वो आपको थोड़ा सा कम आता है राइट वहां पे आपने एक टिक कर दिया कि इसे भी करना है एक क्वेश्चन लास्ट में एक कैटेगरी हो सकती है जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क है या फिर आप बिल्कुल उसमें ब्लैंक आपको आता ही नहीं तो यहां पर आपने सोच लिया कि इसको हमें करना ही नहीं यहां पर एक क्वेश्चन मार्क माइंड में आ जाता है कि क्या है इसको अटेम्प्ट करना जरूरी है मेन लेवल पे क्योंकि कुछ ऐसी चीज हम जरूर लिख सकते हैं ह्यूमिनिटी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट कुछ भी कि वो एग्जामिनर उसको गलत साबित नहीं करेगा क्योंकि वो एनालिसिस है फैक्ट्स नहीं लिखे हुए हैं हमने बट ऑफ़ कोर्स टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे मैथ है या केमिस्ट्री है उसमें तो आपको आता है तो आता है नहीं तो नहीं तो ये भी एक एडवाइस एक है कि क्या हमें सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या नहीं वो मैं आपको बताऊंगा एट द रेलिवेंट प्लेस देन उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि लास्ट में यदि आपके पास पांच मिनट रह गए हैं या दस मिनट रह गए हैं और आपके पास तीन या चार क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आप तीन या चार क्वेश्चन में ढाई ढाई मिनट लगाएंगे या फिर आप किसी एक क्वेश्चन में ज्यादा मिनट लगा देंगे या क्या करेंगे लास्ट में 10 में मिनट्स आपको क्या करना चाहिए ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं इनको हम वन बाई वन देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर that initially do we need to read whole question paper or not? I need to say that definitely yes. Definitely yes. You have to give 5 minutes to the question paper. पोजिशन टू डिसाइड अबाउट दिन पेपर लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन इट एंड यूर पोजिशन टू सोल्व इट एंड ये जो पांच मिनट है ये पांच मिनट आपको सीधा का सीधा कहां पर लेके आ जाते हैं इटेगरी ऑफ क्वेश्चन के लिए जैसे ही आपने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को देखा आपने उनको कैटेगराइज कर लिया कि ये कितना अच्छा है मेरे लिए कि मुझे उसमें आंसर को पहले पहले लिखना है बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन and which will be leading to what end well so all well आपको तो क्वेश्चंस चाहिए मतलब आंसर उसमें मार्क्स चाहिए क्वेश्चंस को दिखा के नाउ क्वेश्चन के लिए जो आंसर लिखे हुए हैं आपने मैंने आपको पहले ही बताया आपके पास 180 मिनट है एंड 20 क्वेश्चंस अराउंड हैं और उसमें भी 4000 वर्ड से ज्यादा आपको लिखने हैं तो ये इसकी एक मैथमेटिक्स है और केमिस्ट्री आपको जरूर बैठा लेनी पड़ेगी अपने और एग्जाम हॉल के बीच में एंड क्वेश्चन पेपर के बीच में एंड जो आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं वो उसका रिजल्ट बनेगा ओके सो दिस इज वेरी क्रूशियल नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन दैट डू वी नीड टू गिव इक्वल टाइम टू ईच ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर आंसर इज नेगेटिव नो जो ये वाली कैटेगरी है क्वेश्चन पेपर की इसके अंदर में ये वाले क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे आते हैं सीक्वेंस आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन लगभग बनेंगे पांच ये भी लगभग पांच बनेंगे ये भी पांच और ये भी पांच इन पास्ट क्वेश्चन के अंदर में कैटेगराइजेशन और भी होता है मतलब एक क्वेश्चन के अंदर में दो या तीन क्वेश्चन भी हो सकते हैं ऑप्शनल के जो पेपर्स होते हैं उसमें आपकी थोड़ी सी कंफर्टेबल ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर आप बहुत गहराई से उस चीज को पढ़ रहे होते हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट जीएस इन जनरल ना ये जो पांच क्वेश्चन है इसमें आप लगभग मिनट, ग्यारह से तेरह मिनट का भी रख सकते हैं बारह मिनट का समय आप देंगे। और कोशिश ये होगी यहाँ पे कि आप पैराग्राफ लिखें मैं उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के आंसर लिखते वक्त क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं तो शुरू शुरू में इंट्रोडक्शन होता है कोर्ट्स होते हैं बड़े बड़े लोगों के थिंकर्स के फिलोसोफर्स के बातें होती हैं जो अभी अभी के लीडर्स ने किसी एड्रेस में बोली हैं प्रेसिडेंट ने बोली हैं राइट तो एक इंट्रोडक्शन बनाना है आंसर की बॉडी बनानी है उसके नेगेटिव्स पॉजिटिव्स बताने हैं फिर एक कॉन्क्लूजन लेके आना है फ्लो चार्ट भी बनाना हो सकता है उसमें राइट right? पॉइंट्स भी लिखने हो सकते हैं तो शुरू शुरू के जो अच्छे वाले परफॉर्मेंस आपको देने हैं उन पांच क्वेश्चन के लिए जिनको आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है आप लिखने में आपको आता है सब कुछ तो यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होगा एंड मेरा मानने के अलावा ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है कि आंसर देने की जो प्रोसेस होती है एग्जामिनेशन एग्जामिनर के माइंड में इट इज एन इमोशनल एक्सपेक्ट समटाइम्स इट इज समाइम्स अ काइंड ऑफ हैविंग सब्जेक्टिव रिलेशनशिप तीन घंटे एग्जामिनर के सामने आप अपने परफॉर्मेंस को लेके जा रहे हैं तीन घंटे का परफॉर्मेंस और एग्जामर को भी काफी टाइम लगता है उस चीज़ को चेक करने में तो बेसिकली आप ही बात कर रहे हैं दो माइंड बात कर रहे हैं और उनमें एक इक्वेशन बन जाता है तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और शुरू शुरू में पैराग्राफ्स के अंदर में एक्सप्रेशंस आपको देने हैं जो भी आपने न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए हैं लेटर्स ऑफ द एडिटर एक सेगमेंट आता है जैसे दी हिंदू में नहीं तो व्हाटएवर राइट नाउ सेकंड कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के लिए आप लगभग दस मिनट का समय रख सकते हैं नाउ अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जो 8.5 का जो इक्विलिब्रियम है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा बट नहीं होगा जो ये वाली कैटेगरी के क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको बस अटेम्प्ट करना है इसलिए आपने टिक मार्क किया हुआ है शायद आपको बहुत काम आता है लेकिन आपको ये पता है कि इसमें मेरे को नई बातें जो बोलनी है वो नहीं लिखूँगा एंड जो बातें लिखनी है वो थोड़ी है बट लिखूँगा जरूर यहां पर आप ये मान सकते हैं कि मैं यहां पर छः मिनट या पाँच मिनट फाइव टू सिक्स मिनट दूंगा ये वाले जो लास्ट फाइव क्वेश्चन है विजडम ये नहीं कहती एग्जामिनर का जो हर्ट है वो एकदम हैप्पी हो चुका है आपको लेता लेकर और वो ये चाहता है इनकी आंखें बराबर कर दी और वो ये चाहता है कि मैं इस बच्चे को या बच्ची को नंबर दूं कुछ तो नंबर दूं लेकिन उसने उसमें आपने यदि उसे ब्लैंक छोड़ दिया स्पेस दिया हुआ है तो वो नंबर ही नहीं दे पाएगा आप कुछ भी एनालिटिकल फैक्ट्स नॉट फैक्ट्स एनालिटिकल बात उसमें लिखने की कोशिश करें पॉइंट के फॉर्मेट में लास्ट में आप पैराग्राफ नहीं लिख पाएंगे आप केवल ही लिख पाएंगे तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि तीन चार पॉइंट देने की कोशिश करें जिससे वो एक दो तीन जितने नंबर मैक्सिमम दे सकता है वो दे पाए प्लीज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक इज दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड दिस इज द्रू दिस वीडियो एक लाइन में यदि इस वीडियो का मैं एसेंस निकालने की कोशिश करूं तो मैं यही कहूंगा कि गलत इंफॉर्मेशन लास्ट वाले क्वेश्चन में ना दें जिनमें नहीं आती है बट एनालिटिकल जो लाइन्स है या एक्सप्रेशन है कुछ भी लिखने की कोशिश जरूर करें राइट नाउ इफ यू आर इन अ पोजिशन और नॉट इन अ पोजिशन यू आर इन अइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर आपके पास फाइव टू टेन मिनट्स रह गए हैं लास्ट में ये वाला क्वेश्चन मैं यहां पे ले लेता हूं राइट right? लास्ट वाला क्वेश्चन था यदि आपके पास टाइम लास्ट में फाइव टू टेन मिनट्स रह गया है तो आप जो बचे हुए क्वेश्चन हैं फाइव भी हो सकते हैं थ्री भी हो सकते हैं आप तीन तीन मिनट में तीनों क्वेश्चन में अलग अलग कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश शुरू करें ओके नाउ दिस क्वेश्चन दट द्वेश्चन ऑर्डर within the sequence which you cannot disturb you cannot do anything whatever question is in your mind that i need to attempt it <clears throat> i am very much comfortable <clears throat> with the first category you must go ahead with that right and this is the question that do we need to categorize that i have already answered so all in all time management in examination hall is saying

हो सकता है हमें डेकोरेट भी करना है आंसर को तो ये सब कुछ इस तीन घंटे में ही होगा एन जी के पेपर्स की मैं यदि बात करूं तो तो मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि लास्ट में आपके पास यदि दो मिनट या तीन मिनट या दस मिनट भी बचता है तो कुछ पॉइंट्स जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसी पॉइंट से उसे अंडरलाइन करने की कोशिश करें पेन बदलने की आपको जरूरत नहीं है उसी पेन से आप हाईलाइट करने की कोशिश करें लास्ट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं जो लास्ट थ्री कैटेगरीज हैं इसमें दो तीन पॉइंट होंगे पैराग्राफ के साथ में इसमें पॉइंटी पॉइंट ही पॉइंट्स होंगे और इसमें कोशिश ये होगी कि हम कुछ ना कुछ ऐसा लिख पाए जहां पे एग्जामिनर हमें नंबर दे पाए राइट तो एक ही पेन चाहिए थोड़ा सा डेकोरेशन भी उसे करना है फ्लो चार्ट भी बनाने हैं पॉइंट्स भी लिखने हैं कोट्स भी देने हैं सो ये सारी की सारी चीजें तीन घंटे में होंगी प्रोवाइडेड यदि आपने टाइम की इंपॉर्टेंस को समझा है और मॉक टेस्ट लिखते वक्त ये सब चीजें आपने प्रैक्टिस कर ली है I hope you have understood this well and very soon we are going to meet in the next video as part of the main strategies. Thank you and Jayant.